घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। शाबाश। तो अभी अभी आपने राग यमन में एक बंदिश, इंस्ट्रूमेंटल बंदिश, हारमोनियम वादन सुना आपने। छोटा सा एक स्वरूप कि कैसे इंस्ट्रूमेंटल होता है वो मैंने कोशिश करी अभी आपके सामने दर्शाने की। आज जो मैं आपको चीज़ें समझाने जा रहा हूँ वो भी कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड है। उपज अंग एक शब्द होता है हमारे संगीत में, शास्त्रीय संगीत में। उपज अंग दैट इज क्रिएटिविटी। आप कुछ बना रहे हो, कुछ डेवलप कर रहे हो, कुछ नया, और ये हमारे शास्त्रीय संगीत का आधार है। हमारे शास्त्रीय संगीत में 90% लगभग एक्सटेम्पर होता है। एक्सटेम्पर यानी उसी समय पैदा होती है चीज़। एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशन होते हैं ना, आपने देखा होगा कि एक टॉपिक दे दिया जाता है, स्टेज पे ही देंगे आपको टॉपिक और उसी समय उस टॉपिक पर आपको कुछ बोलना है। आपको कोई प्री तैयारी नहीं है, प्री प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते हो, है ना, आपको टॉपिक उधर ही मिलेगा। तो वही होता है हमारा शास्त्रीय संगीत। आपको एक बंदिश होती है, एक ताल होती है ना, एक राग होती है, एक चलन होता है, बस इतना मिलेगा। इसके बाद जो बनेगा उधर स्टेज पर ही, उसी जगह जहाँ आप गा रहे हो, बजा रहे हो, उधर ही जन्म लेगी वो चीज़। इसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं एक्चुअली। तो यही अभी आपने देखा, एक बंदिश राग यमन में मिली, तीन ताल में निबद्ध थी। उसके अलावा कोशिश इन्होंने करी छोटी छोटी कुछ ताने बनाने की। तो आज मैं आपको उपज अंग कैसे डेवलप किया जाएगा और क्या चीज़ होती है उसके बारे में ज़रा चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, हम कोई भी राग सीखते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ एक ख्याल हमने सीखा, अगर गायन में सीख रहे हैं, और वादन में सीख रहे हैं तो कोई बंदिश सीखी, और फिर गुरुजी द्वारा दी गई आलाप ताने जो है उस राग के स्वरूप अनुसार हम अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं। फिर बात यह आती है कि हमें कहा जाता है कि अब अपने मन से कुछ आलाप या तान लो, तो हमको लगता है अपने मन से क्या लेंगे, क्या वो सही होगा, क्या वो गलत कैसे बन जाएगा, हमें पता नहीं है, ताल नहीं पकड़ में आ रही है, और चलन नहीं हुआ तो गलत चलन में बना दी तो, और हमें बंदिशें बहुत हम लगा लेते हैं कि कैसे बनाएंगे, अपने मन से नहीं बनेगी, नहीं होगा हमसे। तो उसका एक सीधा सा इलाज है जो कि मेरे गुरुजी ने मेरे साथ किया, और मैं भी यही परंपरा अपनाता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को वो चीज़ मुझे सिखानी है, उसके अंदर वो पैदा करनी है, जाहिर बात है कि एक दिन मेरे गुरुजी यानी मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे एक दिन मुझे ऐसे ही लेकर बैठे
और उन्होंने मुझे कहा एक बंदिश बजाओ। उससे पहले मैं भी वही रटंत विद्या, जो ताने रटी हुई, ताने बजानी है लिमिटेड ताने, इतनी मात्रा की ताने, 20 मात्रा की, 16 मात्रा की, 18 मात्रा की, 6 मात्रा की तान ली, ये तान ली और सम पकड़ा, ऐसे कोशिश करी और बनाई ताने और गुरुजी की बनाई हुई। फिर धीरे धीरे खुद बनाने की कोशिश करी कि चलन अनुसार थोड़ा इधर से थोड़ा, थोड़ा उधर से मोड़ा, है ना। मैं हमेशा कहा है मैंने, क्रिएशन जो है उसका पहला स्टेप है मॉडिफिकेशन। थोड़ा मॉडिफाई आपको चीज़ों को करना पड़ता है, ऑल्टरेशन कहूँ कि ऑल्टर करना पड़ता है चीज़ों को, थोड़ा बदलना पड़ता है पहले, है ना। जैसे मैंने आपको एक तान दी, मैंने बोला सारे गमा पध निसा, इसको अपनी मर्जी से बोलो ज़रा, तो आपने सागर रे म पध निसा बोल दिया, आपने सापर रे ग म पध निसा बोल दिया, आपने उसी स्वरूप के थोड़े से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाए, यानी थोड़ा तोड़ा मोड़ा और बना के दिया। ये तो हो गया मॉडिफिकेशन। ये धीरे धीरे कहाँ लीड करता है, आपने उसको मॉडिफाई किया यानी हल्का सा चेंज किया, यानी क्या, थोड़ा तो कुछ तो भी क्रिएट किया आपने, कि आपने थोड़ा बदला है, बदलाव क्रिएट किया है। फिर धीरे धीरे हम नया क्रिएट करने लगते हैं, यही प्रोसेस है। तो मेरे पिताजी लेके बैठे और मुझे बोला एक बंदिश बजाओ, ये ताल चल रही है तीन ताल, ये इसका सम है बंदिश का, यहाँ पे अब तुम अपनी मर्जी से कुछ ताने लो। मुझे चलन का पता नहीं, ताल पता चल रही है, ताल पता चलना मुख्य बात है कि सम कहाँ आ रहा है बंदिश में और वो ताल क्या चल रही, कौन सी मात्रा चल रही है। अगर उतना आपको मालूम है और थोड़े बहुत आप लय में हो, बस काम हो गया, उतना ही चाहिए, वो ही आवश्यक है और कुछ भी नहीं शुरुआती दौर में, शुरुआती स्टेज पर। तो उन्होंने बोला बजाओ, तो मैं कुछ भी बजाने लगा और कुछ नहीं करता, कुछ भी करके गिर पड़ के सम पे आता, और ऐसा करता रहा मैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वक्त तक ऐसा मैंने किया, कुछ भी बजाया ऊपर नीचे, बस राग के स्वरों का ख्याल रखा कि वही स्वरों, वही स्वर रहें, और थोड़ा बहुत चलन समझ आ गया था क्योंकि रटा हुआ बजाया हुआ है। उसके बाद खुद से कोशिश करी क्रिएट करने की और करता गया, गिरते पड़ते कभी सम आता कभी नहीं आता, है ना, कभी तान बहुत लंबी हो जाती कभी बहुत ज़्यादा छोटा ही बनता, क्या होता है बनाते बनाते लय चूक जाती है ना, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम अलंकार जो बजाते हैं वो तो एक लय में है, एक पैटर्न में है, लेकिन जब उन्हें रियाज करने जाते हैं तो एक हाथ में सेट हो गया कि वो इसी पैटर्न में जाएगा, तो क्या बजाऊँ क्या, मैं बजाने को क्या है, क्रिएट क्या करूँ, तो वही सब बजाना है, वही अलंकार हैं जो आपने सीखे हुए हैं उन्हीं में से तोड़ मोड़ के बजाना है, है ना, और उसी का कुछ बदला हुआ स्वरूप होगा, वही जन्म लेगा। आप जितना इसको स्टोर करोगे, जो अलंकारों को स्टोर किया मैंने यहाँ पे, जो पलटे सीखे वो यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, दूसरी रागों के जो ताने सीखी हुए वो स्टोर करी हुई हैं, तो कुछ कुछ पैटर्न्स पता हैं, तो उन्हीं में से कुछ तोड़ मोड़ के एक बार दिमाग में आता गया और बनाता गया, बजाता गया। देखिए प्रोसेस क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, हम ताने सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा बजाएंगे, है ना, ऐसा ऐसा बजाना है, और फिर बजाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ताल चल रही होती है तो उतना वक्त नहीं होता है कि आप सोचो और बजाओ, क्योंकि सोचने में आप रुक जाओगे और रुक गए तो ताल के आवर्तन जा रहे हैं, वो नहीं होता है। शास्त्रीय संगीत में बजाते बजाते सोचा जाता है, ऐसा नहीं कि आपने तान पहले सोच ली और फिर आप बजाने जा रहे हो, नहीं, आप एक बार बजाना शुरू कर दो, कुछ भी बजाना शुरू कर दो, हाथ एक बार चल रहा है उस स्केल से, उस राग में हाथ को चलाना शुरू कर दो, पहला अलंकार चल रहा है, फिर बजाते बजाते सोचो कि मुझे क्या करना है, अगला पलटा क्या होगा मेरा, क्या मैं दूसरा अलंकार बजा दूं, मैं तीसरा अलंकार बजा दूं। ये जो ताने होती हैं अलंकारिक ताने होती हैं, है ना, ये भी एक पैटर्न है। देखिए तो एक बार वो करना शुरू कर दो आप, और फिर कुछ कुछ भी बजाओ लेकिन सम लाओ बार बार, इससे क्या होगा, एक बार क्रिएशन होगा, और वही मैंने भी किया। फिर धीरे धीरे उस बिगड़े हुए स्वरूप को शेप दिया गया कि अब लिमिटेशंस लगाते हैं कि अब चार मात्रा की तान लोगे, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ चार मात्रा तक लेना और सम पकड़ने की कोशिश करना, और देखो कि चार मात्रा के तान लोगे तो कौन सी मात्रा से उठाना पड़ेगा, अगर बंदिश कहाँ से उठ रही है उसका ख्याल रखना पड़ेगा, सम कहाँ है उसको देखो, वो कैलकुलेट करो। फिर धीरे धीरे पॉलिशिंग होना शुरू हुई कि अब चार की करी, अब आठ मात्रा की बनाओ, अब 12 मात्रा की बनाओ, अब 16 मात्रा की बनाओ। वो जो बंदिश लगाई गई, लेकिन वो बाद में लगाई गई, पहले एक बार खुला छोड़ा गया, है ना। ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की हद तय करनी है कि नहीं यार ये तो इतना ही होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा वो ऑफ लिमिट जब तक नहीं जाएगा आपको कैसे पता चलेगा। लिमिट किसी चीज़ की तय करने के लिए मेरे हिसाब से एक बार उसको ऑफ लिमिट जाने देना चाहिए कि कितना बिगड़ेगा, एक बार देखो तो सही, उसको बिगाड़ के तो देखो क्या ही हो जाएगा। अगर सम नहीं आया, है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर की जो शर्म है, झिझक है, उसको तोड़ना होता है। तो बजाओ, जितना बजाना है बजाओ एक बार,
फिर उसमें लिमिटेशन लगाएंगे, आप 4 मात्रा का, 8 मात्रा का, 16 मात्रा, तो वो मैं अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि वो चीज़ें हम कैसे करेंगे और आप कैसे उस चीज़ को सीख सकते हो, समझ सकते हो घर बैठ कर ही। तो वो बंदिशें हमें एक बार दिमाग से तोड़नी होंगी कि यार हमसे नहीं होगा, और गलत हो गया तो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत हो गया तो भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम राग यमन की ही आज एक बंदिश सीखेंगे इंस्ट्रूमेंटल अंग से, क्योंकि मैं एक आपको एक अलग तरीका बताता हूँ उपज अंग डेवलप करने का, कि गायकी में भी इसकी हेल्प आपको मिल जाती है। अगर आप एक सिंगर हो तब भी अगर आप इंस्ट्रूमेंटल सीख रहे हो तो एक बेनिफिट आपको ये होता है कि क्रिएशन जो है एक बार यहाँ से पनपना शुरू हो गई है, यानी एक बार आपको स्वर मिल गया और आपने सरगम बोलना शुरू करी तो आप रुक नहीं रहे हो, आप बोलते जा रहे हो, कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, कुछ ना कुछ बनता जा रहा है। और वो कहाँ से बनेगा? अगर आपने अलंकारों का रियाज किया है, मेरखंड के अलंकार समझे हैं, मेरखंड को समझा है और पलटे बहुत सारे सीखे हैं, है ना, तो क्या होगा, वो पलटे बना पाओगे, उन्हीं पलटों को तोड़ मोड़ के बजाना है, वही अलंकार हैं, वही चीज़ें सीखी हुई सिखाई हुई हैं इस चैनल पर, सिखाई हुई हैं आपने, सीखी हुई हैं, उन्हीं को बजाना है, है ना। तो आज हम एक बंदिश लेते हैं और कोशिश करेंगे कि उसको कैसे बजाया जा सकता है। तो बंदिश बड़ी ही सिंपल सी है, स्वर मैं आपको उसके बता देता हूँ, यमन की बंदिश है और यमन के आपके स्वर आपको पता ही है तीव्र मध्यम लगता है, तो मध्य सप्तक के निषाद से हम शुरू करेंगे और दुगुन में वो बंदिश है, है ना, उसकी 8 मात्राएं दुगुन में हैं, फिर 8 मात्राएं उसकी सिंगल में हैं। तो बजाना है आपको नीरे सानी धप, आप अपना साज जो है वो ले लीजिए या लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और अपने साज पर बजाइए, नीरे सानी धप, है ना, मध पम गरे, नीरे सानी धप मध पम गरे, ठीक है। तो ये कितनी मात्राएं हुई, नीरे सानी धप 3, मध पम गरे 6, फिर नी रे, ये नी जो है ये मंद्र सप्तक का आ गया, नी रे ग गरे नी रे सा आ, लिख लीजिए, ये लिखा हुआ तो आप देख के, नोटेशन देख के तो बजा ही सकते हैं आराम से, है ना। और इसमें जो उंगलियों का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आप जब नीरे सानी बजाएंगे तो नी पे अंगूठा लगाइए, है ना, मेरे साथ करते जाइए, आप नी पे अंगूठा लगाइए, रे पे दूसरी उंगली लगाइए, सा पे पहली, फिर नी पे आ जाएगी नीरे सानी, अंगूठा आ जाएगा, फिर ध पे आएगा दूसरा, प पे आएगी पहली, मध्यम पे अंगूठा, फिर ध पे तीसरी उंगली लगाइए, फिर प पे दूसरी, मध्यम पे पहली, ग पे अंगूठा, रे पे दूसरी और नी, रे पे दूसरी, रे पे पहली लगा लीजिए, ज़्यादा आसानी होगी, ग रे, रे पे पहली, फिर नी पे अंगूठा, रे पे पहली और गंधार, अब पे अंगूठा, ग ग रे और फिर रे पे दूसरी और सा पे पहली। ये उंगलियां मैं फिर भी बता रहा हूँ जहाँ तक कि मैं समझता हूँ मुझे बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि बंदिश आप बजाने जा रहे हैं और ताने उसमें बना रहे हैं, तो अब तक तो मेरे ख्याल से आपका हाथ अच्छा खासा तैयार हो गया होगा कि उंगलियां सेट करना आपको आ जाए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बंदिश है जिसमें ग ग रे ग पे समा जाता है, यही अभी हमारी एक विद्यार्थी हैं वो आपके सामने करके दिखाएंगे, और उसमें ही मैं इन्हीं को बोलूँगा कि एक बार आप कोशिश करो ताने बनाने की, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बजाओ, क्रिएशन क्रिएटिविटी का नियम होता है कि आप कुछ भी बना सकते हो, उसका कोई शेप नहीं है, उसको शेप हम बाद में देंगे कि नहीं अब इसमें पॉलिशिंग, अब राग के चलन का अब ख्याल रखो, और ये और वो धीरे धीरे आएगा, कलम जो है कलम घिसते घिसते चलते चलते मजबूत होती है, चलते चलते अच्छी होती है, ऐसा मानते हैं जो राइटिंग का प्रोफेशन जो करते हैं, वो मानते हैं कि लिखते लिखते कोई भी मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है तो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट ही आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो जाता है, वो पहला लिखा जाता है, फिर उसमें पॉलिशिंग होती है, फिर उसमें चेंजेस होते हैं, तो एक बार बनाना होगा, करने की कोशिश करनी होगी। तो आइए हम उस कोशिश को कैसे कर सकते हैं उसको देखें, ठीक है। तो बंदिश आपके सामने बजाई जाएगी अभी और ताल चल रही है और उसके बाद कुछ भी बनाया जाएगा, फिर जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा वैसे वैसे करने की भी कोशिश की जाएगी, कई बार सम आएगा कई बार नहीं आएगा, पर वो धीरे धीरे आपको सम पता पड़ने लग जाएगा, एक बार कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो ताल चल रही है, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन दा, ये बंदिश है। अब इसमें तान आएगी, तो आपने देखा क्या हुआ कि यहां से उठाई हमने नीरे सानी धप मध पम गरे नीरे, है ना, ग गरे नीरे सा हा, फिर क्या किया, सम हमारा इधर आता है, तो 8 मात्रा में हमें कुछ करना था, तो इन्होंने क्या बजाया, नीरे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा ग ग रे, सपाट तान ले दिए, जो हमारा पहला अलंकार है, सारे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा की जगह
क्योंकि यमन है तो निषाद निषाद से उठती, तो निरेगा मदा निशा सा नी धपा मगरे सा, ये बजा दिया। फिर क्या करिए, सागर रे म ग प म ध प म ग रे ग रे सा, है ना, सागर सागर रे म ग प म ध, दूसरा पेज का दूसरा अलंकार लिया, फिर वापस आए प म ग रे सा, कुछ भी बजा के। तो एक बार ये जो कुछ भी है उसको क्रिएट करना होगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, धा तेन तेन ता तट धिन धिन दा, तान सम संभाल के, ये बात है। फिर से तो आपने देखा कि कैसे कोशिश करी, कई बार सम नहीं भी आता है, कई बार आ भी जाता है ना। तो ये शुरुआत है ना, इसमें डरना नहीं, इसमें झिझकना नहीं, इसमें शर्म नहीं, शर्माना नहीं कि अरे यार सम नहीं आया तो क्या क्या हो जाएगा, स्टेज पे तो बैठ के आप परफॉर्म कर नहीं रहे हो, है ना, आप यहीं बैठ के बजा रहे हो, तो कुछ भी एक बार तो क्रिएट करोगे ना। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको इतना जहन में रखना है कि कोई एक बंदिश ली है आपने, बजाया है, फिर उसमें कुछ भी, अब जैसे आप इसको वोकल में भी कर सकते हो, है ना, आप जो गा रहे हो अगर कोई ख्याल आपने लेना शुरू कर दिया, ख्याल तो आपको आते ही होंगे, उनको गाओ या उन्हीं को बजा लो, ऐसा भी कुछ नहीं है, है ना। मैं मानता हूँ एक पैटर्न होता है इंस्ट्रूमेंटल का भी और ख्याल गायकी का भी, कि पहले आलाप होता है, फिर जब बंदिश शुरू होती है, फिर भी चलन अनुसार छोटे छोटे आलाप बनाए जाते हैं, फिर बड़े बड़े आलाप बनाए जाते हैं, फिर किसी घराने में अलग अंदाज से होता है, फिर ताने बहुत बाद में आती हैं, ये एक पैटर्न होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये क्रिएशन जो है, अगर आपको पनपानी है तो बंदिशों में नहीं पनपा सकते। आप पहले ही कह दो कि नहीं चार मात्रा का आलाप बना, उसको आलाप बनाना ही नहीं आता है, वो चार मात्रा का आलाप कैसे बनाएगा, आपने पहले ही उसको लिमिट कर दिया, उसको एक्सप्लोर करने दो, मेरा ये मानना है। आप कहते हो हाथ नहीं चल रहा है, गला नहीं चलेगा, स्वर नहीं लगेगा, शुरू करो एक बार, स्वर लगना शुरू हो जाएंगे, दिमाग चलाओ एक बार, गला अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, हाथ अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, दिमाग को काम तो करने दो, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, आप अपने ब्रेन के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो। आप सोचते हो कि यार थोड़ा सा बजाने पे अब आगे क्या बजाऊं, अब सूझा ही नहीं कुछ, है ना। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एक एग्जांपल देता हूं, आपको भी दूंगा, कि मेरे ही एक प्रोफेसर ने मुझे ये चीज़ सिखाई, है ना, मेरे पढ़ाई के प्रोफेसर ने, है ना, इंग्लिश पढ़ाया मुझे जिन्होंने, उन्होंने ये मुझे चीज़ सिखाई कि मुझसे कहते कि अच्छा तुम्हें एक मिनट तक कुछ बोलना है, अपने बारे में बताना है। मैंने बोलना शुरू किया, 30 सेकंड के बाद मैं चुप हो गया, और मेरे जैसे और भी सहपाठी जो मेरे विद्यार्थी जो साथ में पढ़ रहे थे, वो भी 28 सेकंड 30 सेकंड 32 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोल पाए। तो हमें यही कहा गया कि मैंने तुम्हें यह तो कहा नहीं था कि सच बोलना है, मैंने कोई लिमिट तो रखी नहीं थी, मैंने बस ये बोला था एक मिनट तक बोलना है, तुम वो भी नहीं बोल पाए, कोई लैंग्वेज की लिमिट नहीं थी, कुछ भी बोल सकते थे। पर क्या है, हमारा ब्रेन जो है वो सोचना बंद कर देता है, वो कहता है बस स्टॉप, और हम ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक नहीं होना है, और ब्लैंक न होने का एक रियाज होता है, और वो यही है कि एक्सरसाइज, उस ब्रेन की एक्सरसाइज, उसको बोलो कि बोल, तू बोल, आगे बोल, किसी भी टॉपिक पे कितना बोल सकता है, सोच एक बार, लिख कितना लिख सकता है, उसके बारे में कितना एक्सप्लेन कर सकता है। अभी मैं आपके सामने एक बॉटल रख दूं और मैं आपको बोलूं इस बॉटल के बारे में बोलो, कितना बोल सकते हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि कितना क्या बोलूं, अब और बॉटल के बारे में क्या बोल सकता हूं। बस उस चीज को हमें सुधारना है कि वो दिमाग बंद ना हो हमारा, चुप ना हो जाए, फिर उसमें सुधार किया जा सकता है कि अब इतना ही बोलना है, है ना। जैसे बहुत अच्छी टेक्निक हमारे प्रोफेसर हमें समझाते हैं पढ़ाई में, हमारे आपके भी स्कूल लाइफ में या फिर आपके एजुकेशन में आपने ये चीज़ सीखी होगी, हमें बताते थे कि किसी भी टॉपिक पर 20 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर प्रिपेयर कर लो, फिर अगर वो क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए या वेरी शॉर्ट में आ जाए, उसमें से उतना उतना आप लिख लोगे, लेकिन उस टॉपिक पर बड़ा वाला जो आंसर है वो प्रिपेयर कर लो। उससे क्या होता है, छोटे छोटे आंसर्स अपने आप दे सकते हो, क्योंकि बड़ा आपके पास है ना, उसमें से थोड़ा ही तो निकालना है।
आपको ताने बनाने आती हैं, अब आपको बस मैं बोलूं कि 8 मात्रा की बनानी है और इतनी बनानी है। लिमिट बाद में की जा सकती है, एक बार उसे ज़्यादा करना पड़ता है थोड़ा, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखो, ये जैसे अभी इन्होंने किया वैसे ही आप भी करोगे, और उसमें पैटर्न हम बाद में डालेंगे कि चलो अभी बंदिश है, अब आलाप लेंगे, छोटे आलाप, अब उसके बाद बड़े आलाप, फिर ताने, है ना। अभी लय की भी कोई लिमिट नहीं है, सप्तक की भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी जाओ, एक बार हाथ को चलाओ, एक बार स्वरों से दोस्ती करो, एक बार कितने भी स्वर, कितनी भी मात्राएं, कोई सा भी सप्तक लो, बेसुरा चलेगा, पर एक बार कुछ करो, है ना, एक बार चलना शुरू करो। उसकी चाल, उसका जो चलन है वो बाद में सुधार लेंगे, चलना तो शुरू करो एक बार, है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, पर हाँ ये है कि मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा, करोगे तो होगा, और एक बार में नहीं होगा इसको यकीन रखना। बस ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखना, और एक बार बनाना शुरू कर दो, क्रिएशन करना शुरू कर दो, अपने आप हो जाएगा। गानों की धुन हम बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हो जाती है अपने आप। पहले कुछ भी बनाया, कचरा बना माना, लेकिन वो धीरे धीरे सुधरेगा, है ना। कुछ चीज़ बिगड़ती है उसके सुधरने के चांसेस होते हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है। कोई चीज़ है ही नहीं, उसमें क्या सुधारोगे, है ना। शून्य का कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ होगा तो उसको सुधारा जा सकता है कि ये बिगड़ा हुआ है, थोड़ा यहाँ से बिगड़ा हुआ है, थोड़ा वहाँ से। अगर आपने कभी देखा हो चित्र बनता है, तो चित्र में पहले रफ हैंड से स्केचिंग की जाती है और एक आउटर लाइन बनाई जाती है कि भाई ये मुझे बनाना, ये मॉडल होगा, ये इसका शेप होगा। उसके बाद इरेजर से थोड़ा थोड़ा उसको रब किया जाता है कि ये फाइनल शेप होगा, है ना। फिर उसको पॉलिशिंग की जाती है, फिर उसमें रंग भरे जाते हैं। तो खूबसूरती तो दादा बाद में लगती है, पहले तो आपको बनाना पड़ता है ना, कुछ तो बनाओगे आप, है ना। तो कोशिश करो और बाद में खूबसूरती आती जाएगी, आपके गुरुजन जो गुणीजन हैं वो लाएंगे उसमें, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है, कुछ भी बनाना एक बार शुरू कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब मैं समझा पाया इस टॉपिक को, और भी इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जल्द चर्चा करेंगे। शुक्रिया।